नमस्कार दोस्तों, बायोइनफॉर्मेटिक्स यूनिट हम आज कवर करेंगे। ये यूनिट नंबर 10 और इस यूनिट को हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो विषय है उसकी यूनिट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी बायोइनफॉर्मेटिक्स क्या होता है। बायोइनफॉर्मेटिक्स है कि ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव एवं जैविक पदार्थों से प्राप्त डेटा का भंडारण, रिट्रीविंग, एनालिसिस ये सब किया जाता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA तथा प्रोटीन सीक्वेंसेस का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, पाथवेज, जेनेटिक इंटरेक्शन इत्यादि को इसमें स्टडी किया जाता है। और ये उनसे संबंधित किसी बीमारी की दवा बनाने या उसकी रचना के बारे में नवीन सिद्धांत प्रदान करती है और उसके बारे में ज्ञानवर्धन में भी बहुत मदद करती है। ये जीव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिसको बोलते हैं वो निम्न कारकों पर भी डील या कार्यान्वित होती है, जैसे एल्गोरिदम्स पे, डेटाबेस एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स पे, वेब टेक्नोलॉजीज़ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन्फॉर्मेशंस पे, कंप्यूटेशनल कंसेप्ट्स पर, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर, डेटा माइनिंग पर, इमेज प्रोसेसिंग पर, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, कंट्रोलर एंड सिस्टम कंसेप्ट्स पर, सर्किट थ्योरी पर एंड स्टैटिस्टिक्स पर। मतलब ये सारी चीज़ें बायोइनफॉर्मेटिक्स, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स और टेक्निक्स हैं जिन्हें बायोइनफॉर्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे जावा, XML, C++, MATLAB, SQL, MySQL ये सब। अब ये इसके बारे में थोड़ा और हम यदि जानना चाहें तो इसके अंतर्गत जैसे जो भी एग्जिस्टेंट डेटा है या रिवाइज डेटा है हमारे पास किसी पर्टिकुलर बॉडी का प्रोटीन स्ट्रक्चर है सपोज़, तो उसका जो भी एग्जिस्टेंट डेटा है, विद्यमान डेटा और उसका संशोधित डेटा को मिलाकर उसकी डिज़ाइन इश्यूज़ को देखना, उसकी कॉम्प्लेक्स इंटरफेसिंग को स्टडी करना और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं सेल्स की, उस डिज़ीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ में सेल्स की क्या गतिविधियाँ रहती हैं, इन सबको स्टडी करना, ये सब आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये कंप्यूटर बायोलॉजी है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे विभिन्न, पहला बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊंगी इसमें, तो पहला बिंदु है विभिन्न जैविक सूचनाओं का दक्ष अथवा एफिशिएंट एक्सेस, जिसको कहते हैं यूज़ या एप्लीकेशन या मैनेजमेंट या टूल्स के लिए, टूल्स इत्यादि का विकास करना और इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस को विस्तार से समझने के लिए प्राइमरी गोल्स के, नवीन जो एल्गोरिदम्स हैं उनके लिए जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले इत्यादि का उपयोग। तीसरा है सिक्वेंशियल अलाइनमेंट, जीन फाइंडिंग इत्यादि फैक्टर्स पर शोध और रिसर्च। चौथा है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बायोइनफॉर्मेटिक्स के वो पॉइंट्स हैं जो कि अभी, जो कि बायोइनफॉर्मेटिक्स जिनके साथ डील कर रही है, जो कि चल रहा है। ठीक है, बायोइनफॉर्मेटिक्स का चौथा पॉइंट इसका है बायोइनफॉर्मेशंस की मैपिंग, DNA और प्रोटीन सिक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, ये सब, इसमें दो प्रकार की मॉडलिंग होती है, बायो सिस्टम स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में ये प्रोटीन सीक्वेंसेस और पेप्टाइड्स, इंटरेक्शन डेटा, माइक्रोएरे डेटा इत्यादि का अध्ययन जो है वो किया जाता है। लेकिन जो डायनामिक्स ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स है उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड्स के ढांचों का गतिज अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, तथा रिएक्शन फ्लक्स और रिएक्शन डायनामिक्स तथा संकेत पारंकन सहित बहु एजेंट आधारित मॉडलिंग पहुंच स्थापित करना। साथ ही साथ जैव सूचना विज्ञान की सब कैटेगरी के अंतर्गत जैविक ढांचा विज्ञान का अध्ययन करना। ये भी बायोइनफॉर्मेटिक्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ जो मेजर रिसर्च एरियाज़ हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स के,
वो हैं जैसे सीक्वेंशियल एनालिसिस ऑफ डीएनए एंड पॉलीपेप्टाइड्स और जीनोम एनोटेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग जीन्स एंड अदर बायोलॉजिकल फीचर्स इन डीएनए सीक्वेंस। मतलब यदि हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर बताना चाहूँ आपको तो ये है डीएनए तथा पॉलीपेप्टाइड का श्रृंखलीय विश्लेषण करना, दूसरा है डीएनए श्रृंखला में जो जीन निर्माण हेतु जीनोम एनोटेशन प्रक्रिया है उसकी स्टडी तथा अन्य जैविक अभिलक्षण, तीसरा जीवाश्म के मूल तथा पतन का गणकीय जैविक अध्ययन सॉरी चौथा प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन में प्रयुक्त लिटरेचर एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, एब्रिविएशन, नामकरण, रिकॉग्निशन, एस्टेब्लिशमेंट, साथ ही साथ जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस का श्रेणी विश्लेषण और रेगुलेटरी एनालिसिस हार्मोन्स का, हार्मोन्स को रेगुलेशन कैसे प्रदान की जाए उसका एनालिसिस, और प्रोटीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस, कैंसर म्यूटेशन का एनालिसिस, जेनोमिक्स का कंपैरिजन, बायोलॉजिकल सिस्टम मॉडलिंग और इमेज एनालिसिस, ये सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और ये अभी रिसर्च एरियाज हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब सॉफ्टवेयर एंड टूल्स जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होते हैं वो वेब सर्विसेज हैं सारी, मतलब जितनी जो भी यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करते हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपन सोर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर है। ये टूल्स प्रयोग किए जा रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को टेक्निकली हाइप देने के लिए और उन्हें एडवांस बनाने के लिए। थैंक यू।